हाय गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम हिमांशु है और आजकल तो वैसे ही ट्रैवल नहीं हो पा रहा यार, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को उत्तराखंड की संस्कृति दिखाई जाए, यहाँ का कल्चर दिखाया जाए। तो इस वीडियो में आपको तीन चीज़ें पता लगने वाली है। नंबर वन, यहाँ पे आज के दिन हरेला मनाया जाता है, तो उसके बारे में आपको डिटेलिंग पता लगेगी, कैसे मनाया जाता है, क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। नंबर टू, यहाँ पे उत्तराखंड में सावन के महीने में एक बहुत ही बड़ी मान्यता में पूजा होती है, इसका नाम है पार्थी पूजा, तो उसकी भी डिटेलिंग आपको दिखाई जाएगी। तैयारियाँ चल रही, बाहर पंडित जी आए हुए हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलने वाला है। और तीसरी चीज़ वीडियो के एंड में पता लगेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब हरेले के बारे में आपको कुछ मैं बातें बता देता हूँ। हरेला, जैसा कि इसके शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, हरियाली, और ऋग्वेद जैसे पुराने वेदों में भी इसका उल्लेख किया गया है। हरेला उत्तराखंड में सावन महीने के पहले दिन मनाया जाता है। हरेले पर्व से लगभग 9 दिन पहले घर के मंदिरों में टोकरियों में अनाज को उगाया जाता है, और माना जाता है कि अगर वो अनाज अच्छा खासा पैदा होता है तो इस बार फसल अच्छी होगी। कुमाऊं में इस दिन घर के बड़े बुजुर्ग घर के छोटे सदस्यों को आशीर्वाद के तौर पे हरेला सर पे चढ़ाते हैं और आशिक के तौर पे उनके हरे भरे जीवन की कामना करते हैं, और यहाँ की लोकल लैंग्वेज में उनको आशीर्वाद इस तरह से दिया जाता है। जीराया जगीराया यो दिन मासे भिड़ने राया पुली। इसका अर्थ है कि आपको एक दीर्घ आयु प्रदान हो, और ये परंपरा आज भी चले आ रही है। तो भाई लोग, आज तो पूरा मतलब घर ऐसा हो रखा है, क्या बताऊँ। देखो किचन, किचन का हाल देख लो। मम्मी क्या बना रहे हो? बड़े बना रही हूँ। बड़े बड़े पूजा के लिए ये पुए बना दिए हैं, प्रसाद तो वहाँ रख दिया है। ये पुए बन रहे? ये बड़े बन रहे, गीले हो गए जरा। ये किस चीज के बने? मम्मी मांस के। मांस को पीस के? यस। तो ये स्पेशल यहाँ पे त्योहारों में बनाए जाते हैं ना? कुमाऊं की जो हमारी प्रसिद्ध है बड़े, हमारे कुमाऊं के बड़े हर त्योहार में बनाए जाते हैं, शगुन माना जाता है बड़ों का। और ये पुए हैं, पुए बन के इस तरह से रेडी हो जाते हैं। जलाना मत पुए, परसों की तरह परसों पूरे पुए जले हुए खिला रहे हैं। तो भाई लोग देख लो, यहाँ पे तैयारियाँ वगैरह, थोड़ा कमरा हमने थोड़ा चेंज करा है मॉडल कमरे का, बिकॉज यहाँ पे पूजा भी होगी। पंडित जी भी आ गए हैं और यहाँ पे पिताजी बैठे मेरे, और यहीं पे हमारी पार्थी पूजा होगी। पंडित जी, ये जो हम अभी पार्थिव पूजा करने वाले हैं, तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए कि क्या ये होती है और क्यों मनाई जाती है, सावन के महीने में क्यों की जाती है। सावन का महीना शिव जी का सबसे पवित्र महीना है। सही बात। तो सावन के महीने में शिव को जल चढ़ाना, मिट्टी की, गोबर की, आटे की, अलग अलग प्रकार से पार्थिव लिंग बनते हैं। जिस हिसाब से मनुष्य की कामना होती है उस हिसाब से पार्थिव लिंगों की पूजा होती है। सामली आटे की बनती है, गोबर की रोग के लिए बनती है, आटे की जो है संतान के लिए, उन्नत के लिए बनती है, तो घर में धन लक्ष्मी और इसकी प्राप्ति के लिए मिट्टी की बनती है, और मक्खन की बनती है। सब अलग अलग प्रकार से पार्थिव लिंग बना करके पूजा होती है। शिव जो है आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। शिवलिंगों की पूजा करने से घर में धन धान्य समृद्धि दीर्घायु आरोग्य अकाल मृत्यु का दोष दूर होता है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है। इसमें गाय का दूध, दही और चीनी मिला के शहद डालो। ये देखो पंडित जी वाले लुक में आ गया हूँ, पूरा धोती वोती पहन के। उत्तराखंड का प्रॉपर कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, गणेश पूजा संपन्न हो गई है, अभी हम सो गाइस गणेश पूजा संपन्न हो गई है, अभी हम पार्थिव पूजा की तैयारी कर रहे हैं।
यहाँ पे जो मिट्टी देख रहे हो आप, ये दीमक वाली मिट्टी जंगल से लाई गई, स्पेशली पार्थिव पूजा के लिए मिट्टी यूज होती है। इसे अभी हम ओल के रेडी कर रहे हैं, फिर इसी मिट्टी से शिवलिंग और बाकी के देवी देवता बनाए जाएंगे, जिन्हें हम इस जो ये आपका कपड़ा है उसी आसन में बैठा के अच्छे तरीके से सजाएंगे। वो आप अभी वीडियो को देखते रहो, बड़े अच्छे तरीके से हम अभी शिवलिंग और वो सब बनाने वाले हैं। और बाकी उसके बाद ये जो गिलोई है, गिलोई हमने भिगो के रखा हुआ है, इस गिलोई के पानी से फिर हम शिवलिंग बनाएंगे। तो भाई इस तरह से हमारे शिवजी तैयार हो गए हैं। ये पूरे 108 हमने यहाँ पे शिवलिंग बनाए हुए हैं और साथ में यहाँ पे नंदी बनाए हुए हैं। नारायण जी बोलते थे, आज ही शक्ति शक्ति भी काय नमः। अंतरिक्ष में शांति है, पृथ्वी में शांति हो, औषधियों में शांति हो, वनस्पतियों से शांति मिले, है ना, ब्रह्म की शांति मिले, सब जगह तुम्हें शांति ही शांति मिले, ये हमने भी शांति का। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। एक्चुअली वो संस्कृत में समझ में नहीं आता ना, हाँ। तो बेटर की पूछ लो ये क्या बोला, हम बोल रहे हैं कुछ भगवान को कुछ समर्पित करें तो पूछ लेना चाहिए। स्वस्ति पाचन का मतलब ये होता है, ये इस पूर्वांग कर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। अच्छा। ओम शिवाय नमः, 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 ओम शिवाय नमः। सो भक्तजनों, इस तरह हमारी पूजा संपन्न होती है, हमारी आरती वगैरह हो गई बढ़िया करके, पंडित जी ने रक्षा भी वादी सबको, और थोड़ी देर में प्रसाद वितरण होगा, आप भी आ जाइए, यहीं पर घर है। यहाँ पे हवन की तैयारी हो रही है, उसको क्या बोलते हैं पंडित जी, सविता, हवन सामग्री। हम राघवेंद्र गंधम समर्पयामि नमः। ओम एम सगत यदाने सुगन्धि पुष्टि वर्धनम गुरुवारुमि वंदनम नृत्यो मोक्षी मामृता स्वाहा। तो यहाँ पे अब हम विसर्जित करते हैं, कपड़ा मत बहाना। हाँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर जय भोले बाबा, जय। कपड़ा निकाल लेना। सो गाइस, जो मैं तीसरी चीज आपको बता रहा था, तीसरी चीज ये आपके सामने रही। तीसरी चीज़ आज स्पेशल डे इसलिए है क्योंकि आज मेरे छोटे भाई का बर्थडे है और ये सारे मेहमान हमारे आ गए हैं ऑलरेडी, और ये केक यहाँ पे रखा हुआ है, एज यू कैन सी। ये छोटा भाई बैठा हुआ है, अपनी वीडियो एडिट कर रहा है, देख कदी खतरनाक यूट्यूबर हो रहा है, आज ही एडिट और आज ही सब कुछ। सो चलिए सेलिब्रेट करते हैं आज का बर्थडे। चलो भाई बर्थडे भाई, फटाफट मोमबत्ती जलाओ, भूख भी तो लग रही है यार। बैठ के नीचे रखी थी यार। ये माचिस का डब्बा हटा दो। बर्थडे वाली एक्साइटमेंट देख लो। चलो भैया बच्चा पार्टी शुरू करो, आना कैंडल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो गई है कि दो केक आए हैं, अच्छी बात है कि बुआ जो लेकर आई है वो एगलेस वाला लेकर आई है, हम लोग गलती से एग वाला ले आए जल्दीबाजी में, तो आज एग वाला हम नहीं खाएंगे, एगलेस खाएंगे, एग वाला कल वो खा लेंगे। 800 की है ये, तो ये वाला एगलेस है ना, ध्यान देना, इसको हटाइए दो ना, इसको फ्रिज में शिफ्ट कर देते हैं। क्यों? अरे मेहमान ये अक्षत भाई, फूफा जी भी आए हैं, वैष्णवी भी बैठी हुई है, चाची जी भी बैठी है हमारी, आज चाची जी भाव खाली हाल लोग नहीं बोलते। ये बुआ को तो आपने देखा ही होगा, वायरल हो रही है आजकल यार, बुआ का बर्थडे चल रहा है वायरल यूट्यूब पे। और ये हमारे अर्चित भाई, यार क्या हाल है सभी के। और ये रही हमारी माता, सुबह से बेचारी काम कर रही है इतने ज्यादा, हाय बहुत सुस्त हो रही है सब। फूफा जी तो बिल्कुल एकदम शांत बैठे हैं। ये और पिताजी ने भी हाथ ला दिया पीछे से। देखो फैमिली का मजा यही होता है, जॉइंट फैमिली का, कि आप सारे लोग कुछ कुछ काम कर रहे होते हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं और बड़ा मजा आता है साथ में काम करते करते खाना खाने में। तो अभी सारी जो हमारे बुआ लोग हैं और हमारी छोटी बहन जो है अभी काम कर रही है, फटाफट खाना वाना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो यही था आज का दिन, हमने पूजा पाठ करके अपना खाना वाना खा लिया है और उसको बैठने डांस सिखाने वाले को लिया कम से कम। देखो आप क्या
सो भाई लोग देख लो किचन का हाल क्या हो गया। ऐसे ही होता है जब घर में मेहमान वगैरह बहुत सारे आ जाते हैं, पूजा पाठ वगैरह होती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा या नहीं लगा, जो भी आपको कमियां लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको उत्तराखंड की संस्कृति, हमारी संस्कृति कैसी लगी, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद।